पाकिस्तान कुछ भी बोल सकता है, पाकिस्तान झूठ बोलने में माहिर है। अभी भी देखिए ना, 30 सवाल भेज दिए और हिन्दुस्तान की सरकार उनके जवाब लिखने में पड़ी रही है। पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। गुजरात में आतंकवादी आए, उनको समझ आ गया कि गुजरात जाने का क्या खमियाजा भुगतना पड़ा। 21 दिन के अंदर हर एक को खोल करके रख दिया, चमड़ी उधेड़ करके रख दी और उनके आकाओं को पकड़ के ले आए। हिन्दुस्तान में केरल से लेकर के कश्मीर तक, केरल से लेकर के कश्मीर में हर राज्यों से उनके जितने आका थे वो पकड़ लिए। और गुजरात में आतंकवाद की घटना घटी, उसका नतीजा ये हुआ कि देश की सब सरकारों को 5 साल से आतंकवादी घटनाएं घटती थी लेकिन वो किसी को पकड़ते नहीं थे। गुजरात में पकड़ने के बाद उनको पकड़ने के लिए जाना पड़ा और उसके बाद देश भर में पकड़ने की बात शुरू हुई। तो गुजरात का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और सिमी के पूरे नेटवर्क को, उनके सारे आकाओं को पकड़ कर रख दिया हमने। तो देश की बहुत बड़ी भलाई का काम किया गुजरात ने। आपके मुझे देर नहीं रखते, मैं आज भी कहता हूं पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। ये प्रणब मुखर्जी रोज एक चिट्ठी भेज रहे और वो सवाल भेज रहे, ये जवाब देते फिरते, गुनाह वो करे और जवाब भारत सरकार दे रही है। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिन्दुस्तान में 100 करोड़ का देश है, पूरी दुनिया में प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी, कोई हम पर कैसे पैसा देगा। ये उल्टी झगड़ा क्यों चली, मैं हैरान हूं जी। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री भी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ, ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला गया और अमेरिका जाते हो, अरे पाकिस्तान जाओ ना, क्या तरीका होता? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए, वही तो मैं आपसे समझने की कोशिश, वही तो मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान जो भाषा में समझे वो समझाना चाहिए।